इस वीडियो में बात करेंगे हम कीटनाशक से जलन के बारे में। इसमें हम कुछ बातें जानेंगे जिसमें स्प्रे से पहले कुछ सावधानी रखेंगे, स्प्रे के पश्चात क्या करें और यदि जलन हो रही है तो उसके लिए क्या उपाय होंगे, और साथ ही बात करें कौन कौन सी दवाई हमें जलन करती हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल टेक्निकल कृषि उपाय तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं हूँ आपका अपना दोस्त प्रशांत भारद्वाज। जैसे कि आप जानते हैं कि कराटे और अलीका यह काफ़ी जलन करती है, और कुछ किसानों के शिकायत होती है कि सोलोमन भी काफ़ी जलन करती है। यदि टेक्निकल की बात करें तो अल्फा मेथिन, लैम्डा साइलोथिन और डेल्टा मेथिन यह काफ़ी जलन करते हैं। इन दवाओं के स्प्रे से पहले हमें कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी ताकि हम जलन से बच सकें। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि जलन हो रही है तो क्या करें और स्प्रे से पहले कौन सी सावधानी हमें रखनी चाहिए। पहले हम बात करें स्प्रे से पहले सावधानी रखने के बाद, आप कोशिश करें प्रतिदिन 1 से 2 घंटे स्प्रे करें, या फिर यदि आप डेली यदि आप दिन भर ही स्प्रे करना चाहते हैं कुछ सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। जैसे कि आप मास्क और दस्तानों को करें, हो सके तो रेनकोट भी पहन लें या फिर हेलमेट भी आप पहन सकते हैं। कुछ ऑयल हैं जिनको आप स्प्रे से पहले यदि त्वचा पर लगाते हैं तो आप स्प्रे के जलन से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। कुछ बार जैसे आप सरसों तेल में नींबू मिलाकर स्प्रे से पहले लगा लिए, या फिर आप इंजन ऑयल का उपयोग कर सकते हैं, ग्रीस का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप जो वैसलीन होती है उसका भी आप पहले चेहरे पर हाथों पर लगा लिए ताकि जलन ना हो, या फिर चाहे तो आप नारियल तेल भी लगा सकते हैं जो कि ओरिजिनल होना चाहिए। और आपको एक विकल्प और भी, आप जब स्प्रे करें तो आप प्रति पंप में 70 से 80 ग्राम यूरिया का उपयोग करने दिया तो यह जलन को काफ़ी कम कर देता है और साथ ही टॉनिक का भी काम करता है। ये तो थे स्प्रे से पहले सावधानी। यदि जलन हो रही है तो क्या करें उसके भी हम बारे में बात करने वाले हैं। स्प्रे करने के बाद अब तुरंत बाद अधिकतम गर्म पानी से 20 से 25 मिनट तक मुंह धोएं या फिर ऐसे स्थानों जिसमें आपसे जलन हो रही है, और ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और आपको एक सावधानी रखनी है, स्प्रे के बाद गर्म पानी से धोने के बाद सूखे कपड़े से पानी को अलग करें और अच्छी तरह से जलन वाले स्थान को ढक लें ताकि पसीना आ जाए और आपको बाहर की ठंडी हवा बिल्कुल भी ना लगे। यह सबसे अच्छा तरीका है। कुछ और भी तरीका हम आपको बताने वाले हैं। नारियल तेल में पेपरमेंट और कपूर मिलाकर लगाने से आराम मिलता है। नारियल तेल में खोपरे के तेल में यदि आप कपूर मिलाकर उसको गर्म करें, गर्म करने के बाद ठंडा होने के बाद उसको लगाएं, उससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ईवीएन जो कैप्सूल होते हैं इनको 4 से 5 आप निकाल लें और त्वचा पर ऊपर इनको लगा लें, इससे भी हवा काफ़ी आराम लगता है। और बात करें कि इसके इलाज की, तो इलाज कराने से इनको कोई विशेष आराम नहीं होता है। यदि आप चाहें तो दर्दनाशक गोलियों का उपयोग कर सकते हैं, और ये अलावा 30 से 35 घंटे तक जलन करती हैं। लेकिन कुछ किसान भाइयों की डर है कि इससे कोई साइड इफेक्ट होता है, तो नहीं होता है। यह 30 से 35 घंटे में आपकी जलन को ख़त्म कर देती हैं। और एक बार फिर से आपको बता दें कि आप कोशिश करें अधिकतम गर्म पानी से 20 से 25 मिनट तक लगातार जलन वाले स्थान को धोएं और अच्छी तरह से उसको ढक लें ताकि पसीना आ जाए, और जितना ज़्यादा आप ढक सकें उतना ज़्यादा ढक के बाहर की ठंडी हवा बिल्कुल भी ना लगने, इससे आपको तुरंत ही 5 से 10 मिनट में अच्छी तरह से आराम लग जाएगा। और कुछ ऐसे कीटनाशक से जलन से बचने के उपाय, यदि आप कुछ और तरीके जानते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और यदि आप प्याज की खेती के बारे में जानना चाहते हो डिस्क्रिप्शन लिंक से भी आप चेक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।